तो दोस्तों हम आ गए अपने पावर बीआई के पार्ट 14 में। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर पावर बीआई की वीडियोस बनाओ, हमें पावर बीआई की वीडियोस चाहिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ, पार्ट 14। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम सीखने वाले हैं अगर कभी भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हो, उसका हमने एक विजुअलाइजेशन बनाया। विजुअलाइजेशन का मतलब हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं क्योंकि वो डेसिमल नंबर्स है। अब क्लाइंट ने हमें बोला ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इसके ग्राफ बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो सारे डेसिमल नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे होल नंबर में और ग्राफ बड़े बड़े दिखने लगेंगे। तो पहले तो हम सीखेंगे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सेकेंडली हम सीखेंगे जब हम अपने रिपोर्ट टैब में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से फाइल में हमें काम करना है कौन से में नहीं करना। तो आज हम एक और चीज सीखेंगे कि हमें सिर्फ वही फाइल रखनी है जिसमें हमें काम करना है, उसके अलावा जितने भी फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स को हम हाइड कर दें या डिलीट कर दें, कुछ भी करें हमें ना दिखे। तो ये दोनों हम आज सीखेंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और ये सीख ले। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहां मैंने अपना लास्ट टाइम पावर बीआई छोड़ा था, जिसमें हमने सीखा था मल्टीपल इफ कंडीशन लगा के किड्स, चाइल्ड, एडल्ट, सीनियर हम कैसे पॉपुलेट करें। अब हम चलते हैं अपने कंसोलिडेटेड डेटा में। अब आप बोल रहे होंगे आपके पास ये कंसोलिडेटेड डेटा तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। ये विजुअलाइजेशन है, एक शीट है पावर बीआई की, ये आप लोग डाउनलोड कर लेना, बट इसे रिफ्रेश नहीं करना क्योंकि इसकी जो भी शीट्स है, जो भी सब्स्टिट्यूट शीट्स है वो मेरे डेस्कटॉप में है। अब आप लोग अगर इसे यूज करेंगे तो जब ही रिफ्रेश होगा ये आपका डेटा पॉपुलेट नहीं कराएगा, तो इसको रिफ्रेश मत करना, एज इट इज यूज करना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। तो हम आगे अपने कंसोलिडेटेड डेटा में हम चलते हैं एक्सट्रीम राइट में। यहाँ पे हमारे पास टोटल आर्स दिख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं टोटल आर्स जो भी हैं ये डेसिमल प्लेसेस में हैं। अब क्लाइंट ने हमें बोला कि इसे ना डेसिमल प्लेसेस में नहीं होल नंबर में कन्वर्ट कर दो 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, हम ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म टैब में जाने के बाद थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। तो आपको स्टैंडर्ड के ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। जैसे आपने स्टैंडर्ड के ड्रॉप डाउन में क्लिक किया बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड, परसेंटेज। तो अभी के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ओके जी, तो आपको एक एक करके लाइन आइटम को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, स्टैंडर्ड के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई में क्लिक करेंगे और यहां पे 1000 एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और हमने कर दिया ओके। तो ये देखिए ये सारे डेसिमल प्लेसेस एक ही बारी में कन्वर्ट हो गए हैं और वो पूरे के पूरे होल नंबर में आ गए हैं। अब एक और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसे ना ये जो नंबर्स पॉपुलेट हुए हैं इसे -500 भी कर दो। तो फिर से आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, स्टैंडर्ड में जाना है, सब्ट्रैक्ट कर दो -500 और ओके। तो ये देखिए ये सारे के सारे नंबर्स, पूरे का पूरा कॉलम हमारा एक ही बारी में सॉर्ट हो गया है। अब इसके बाद अगर आप विजुअलाइजेशन बनाएंगे तो आपके ग्राफ बड़े बड़े दिखेंगे क्योंकि आपने इन्हें पहले ही 1000 से मल्टीप्लाई और -500 कर दिया है, डेसिमल प्लेसेस में नहीं है। ओके, तो ये तो रहा हमारा एक डेटा सेट। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए मैं आ जाता हूं अपने होम में और इसे करता हूं क्लोज एंड अप्लाई। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में और ये पॉपुलेट हो जाता है। अब देखिए आप अपने रिपोर्ट व्यू में है, रिपोर्ट व्यू में आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए इतनी सारी फाइल्स हैं आपकी, बट इसमें से आपको सिर्फ दो फाइल्स में काम करना है। तो इतनी सारी फाइल्स रख के हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हमें कौन से फाइल से कौन सा कॉलम पिक करना है। तो अब हमें ये सारी फाइल्स नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ कुछ कुछ फाइल्स चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम आएंगे अपने डेटा टैब में, डेटा व्यू में। डेटा व्यू में आने के बाद एक्सट्रीम राइट में चले जाएंगे। राइट में जाने के बाद जो भी फाइल्स आपको नहीं चाहिए उसके साइड में तीन डॉट्स आ रहे हैं, उस डॉट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हाइड इन रिपोर्ट व्यू। दैट मींस ये मुझे फाइल दिखे बट जब हम रिपोर्ट व्यू में मूव हो तब ना दिखे। ओके,
तो हम इसे कर देते हैं हाइड। मैं खाली तीन चीजें रखूंगा, कंसोलिडेटेड, रेफरेंस और रीजन कोड। उसके अलावा मैं सारा हाइड कर दूंगा। सिमिलर केसे में थ्री डॉट में क्लिक किया, हाइड इन रिपोर्ट व्यू, उसके बाद हाइड इन रिपोर्ट व्यू सेकेंड वाला, उसके बाद रॉ डेटा पॉपुलेशन, हाइड इन रिपोर्ट व्यू, और जो लास्ट है रॉ डेटा पॉपुलेशन, हाइड इन रिपोर्ट व्यू। अब हमारे पास आप देखिए सारे ग्रेड आउट हो गए हैं जो जो हमने हाइड किए। हमारे पास सिर्फ तीन फाइल्स हैं। हम अपने रिपोर्ट व्यू में आते हैं और ये देखिए आपके पास सिर्फ तीन फाइल अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप इसमें से अब विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे बनाएंगे वो हम और थोड़ी बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी बहुत है सीखने के लिए, वो हमारा लास्ट स्टेप है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं। अब आपने इसके थ्रू विजुअलाइजेशन बना दिया, मगर आपको वो सारी फाइल्स अब वापस चाहिए, वापस दिखानी है, तो क्या करेंगे? फिर से हम अपने डेटा टैब में आएंगे, जितने भी ग्रेड आउट है आप उनको, जो जो फाइल्स आपको दिखानी है आप उनको एक बारी जो तीन डॉट है उसमें राइट क्लिक करके हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, या अगर आपको सारी फाइल्स दिखानी है तो आप अनहाइड ऑल कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी के लिए एज ग्रुप दिखाना है तो मैंने हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर दिया और मैं रिपोर्ट व्यू में आया और ये देखिए एज ग्रुप भी दिख रहे हैं, मगर अब मुझे पता लगा कि मुझे सारी फाइल्स दिखानी है तो मैंने राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल कर दिया, तो ये सारे अनहाइड हो गए। अब मैं अपने रिपोर्ट व्यू में आया तो ये देखिए सारी के सारी फाइल्स यहाँ पे फिर से दिखने लगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने डेटा को सबसे पहले मल्टीप्लाई, ऐड, डिविजन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, और सेकेंडली हमें जो जो फाइल्स चाहिए हम सिर्फ वही दिखाएं, उसके अलावा हम कुछ ना दिखाएं। वो हम कैसे करेंगे वो भी हमने सीख लिया। अगली वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत जनों से सुना है सर हमारे पावर बीआई का जो हमारी फाइल है वो 60 MB 70 MB की हो चुकी है, मुझे ये फाइल किसी के साथ शेयर करनी है बट मैं कर नहीं पा रहा, तो इस फाइल का साइज कैसे रिड्यूस करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, अगली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जो कि हमारी पार्ट 15 होगी, उसमें हम फाइल साइज रिड्यूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट जरूर देना कि ये आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। और आपको कोई भी फाइल डाउनलोड के लिए चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बना दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए जी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।